हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। मैं हूँ आपकी प्यारी खुशी। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे एंड हैप्पी होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ न्यू चीज़ लेके आई हूँ कि आप अगर आपके लाइफ में किसी आपके जीवन साथी ने, आपके लव पार्टनर ने अगर आपको कोई ब्लॉक किया हो तो आप क्या करें। तो आपको ये एडवाइस दूंगी और टिप्स तो बताऊंगी, ऐसे नहीं कि टिप्स नहीं बताऊंगी, पर उससे पहले कुछ चीज़ ऐसी बताऊंगी कि कोई मेंबर जो होता है आपको जब ब्लॉक करता है तो वो आपका जीवन साथी या फिर कोई सामने वाले जो भी आपके रिलेटिव्स है या फिर रिलेशनशिप में जो भी मेंबर्स है वो आपको अगर ब्लॉक कर रहा है तो वो आपसे सीधा नाता कनेक्ट जो है वो कट कर रहा है, आपसे सेपरेशन बना रहा है, आपसे दूरियां बना रहा है। वो पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं एंड आपसे कोई भी कम्युनिकेशन करने के मूड में नहीं होते हैं। उनका एक फाइनल डिसीजन होता है जब वो आपको ब्लॉक करते हैं। ये चीज़ हमारे समझ में बहुत ही ज़्यादा लेट टाइम में आ जाती है। हम उनके लिए हमारा खाना पीना, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जीना, हमारे खुद का सेल्फ लव, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तक हम खो बैठते हैं। हम उनको बार बार कॉल करना, हम उनको मनाना, ये बहुत सारी कंडीशन हम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टफ होता है जब हमें कोई ब्लॉक करता है। ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे टफ टाइम होता है कि जिसके लिए हम 3, 4, 5 महीने, 6 महीने हम उनके ख्यालों में रहते हैं। बहुत ज़्यादा हमारा टाइम हम उनके लिए, बहुत ज़्यादा टाइम हम गवा देते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लिए कि वो मतलब चाहते ही नहीं कि वो हमसे बात करें या फिर हमसे कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं चाहते, हमसे कम्युनिकेशन कट करना चाहते हैं, हमसे दूर रहना चाहते हैं, हमसे मतलब बहुत ज़्यादा दूरियां बनाना चाहते हैं। जब भी हमें कोई ब्लॉक कर दे तो उनका लास्ट एंड एक मोमेंट एक यही होता है, उनका माइंड काफ़ी तरीके से सेट होता है कि मुझे इससे अभी बात नहीं करनी, मुझे इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, ना ही कोई कम्युनिकेशन करनी है। कोई सामने वाला जो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, काफ़ी ज़्यादा हमें ब्लैकमेल करता है, तब भी कंडीशन होती है कि सामने वाला पर्सन हमें ब्लॉक कर देता है। तो ये चीज़ भी हमारे अंदर आती है। एंड जैसे कि ये जो चीज़ें अभी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैं रीडिंग करती हूँ, लव रीडिंग करती हूँ, रिलेशनशिप की रीडिंग करती हूँ, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लाइफ में भी वो एक दूसरे को, अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देते हैं मैरिज होने के बाद भी। तो ब्लॉक कंडीशन जो होती है ये दी एंड की मोमेंट होती है, जैसे कि लास्ट मोमेंट होती है कि फाइनली आपसे बात नहीं करनी, आपके साथ कनेक्शन तोड़ना है, आपके साथ कनेक्शन रखना ही नहीं है, उनको आपके साथ बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उनको कोई खुशी होती है। तो ये सारी चीजें ध्यान में आते हुए सामने वाला पर्सन जो होता है आपको ब्लॉक कर देता है। तो आपने अपनी खुद की सेल्फ रिक्वेस्ट कभी नहीं खोना है, खुद की सेल्फ लव, खुद के बारे में ना सोचना, अच्छी से लाइफ बिताना, अच्छा सा टाइम बिताना, ये सारी चीजें, खुद की जो लाइफ की जो बहुत सारी चीजें होती है ये नहीं खोनी है। अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीना है, आगे बढ़ना है, अच्छी लाइफ को ग्रोथ करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अच्छा सा रिलेशनशिप होते रहता है, जैसे कि मैंने जब भी रीडिंग की है तो बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे कहा है कि हाल फिलहाल हमारी अच्छी सी कम्युनिकेशन थी, हमारी अच्छी सी बातें थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि जिसके वजह से सामने वाले मेरे जीवन साथी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी रीडिंग में जब भी करती हूँ तो बहुत सारे टफ कंडीशन ऐसे ही नजर आते हैं कि सामने वाले पर्सन ने ब्लॉक किए, हम क्या करें, क्या ना करें, क्या रिचुअल करें, क्या ना करें, ये सारे रेमेडीज पूछते रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम उनके बारे में क्यों सोचे, इतना क्यों सोचे, हम उनको क्यों ज़्यादा इतना महत्व दें। तो हमारी लाइफ भी कुछ चीज़ होती है कि हम ऐसे इंसान जो हमें ब्लॉक कर देते हैं, थोड़ी सी चीज़ों की वजह से हमें कहीं ना कहीं एंड मोमेंट कर देते हैं। तो हमें भी ऐसे इंसान के साथ या फिर हमारे ऐसे पार्टनर के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। पर ये बात जो है कभी कभी हमें समझ भी नहीं आती है। हम जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स में इतने बह जाते हैं कि हम अपने आप से प्यार करना, हमारे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद के बारे में ध्यान देना, खुद के बहुत सारे गोल की तरफ ध्यान देना हम भूल जाते हैं। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है।
और अभी हाल फिलहाल जैसे कि ऑनलाइन का टाइम है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये होती आ रही कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देना बिना बताए, बात नहीं करनी है, कहीं ना कहीं अदर रिलेशनशिप है उस वजह से ब्लॉक कर देना, रिलेशनशिप ना रखना, तो एक एंड मोमेंट होता है। तो ये एंड मोमेंट की वजह से सामने वाली पर्सनैलिटी जो है आपके साथ बात नहीं करती है, तो आप उनके चक्कर में, कंटिन्यूसली उनके चक्कर में, आप उनके लिए कंटिन्यूसली अपना खाना पीना अपना रहन सहन भूल जाते हैं, अपने बारे में ध्यान देना तक भूल जाते हैं, और काफी टाइम तक आप काफी साल तक उनके लिए निकाल देते हैं कि काश वो ब्लॉक खोल दे तो हम दोनों की बात हो, कुछ चीज पता चले। पर कुछ बात ऐसी हो जाती है कि ना ही सामने वालों को आपको कुछ बात करनी है, ना ही आपको कुछ जवाब देना, ना ही कुछ बोलते ना कि कुछ रिप्लाई कुछ नहीं देना है, कुछ मूवमेंट ही नहीं करनी है, एक एंड मूवमेंट रखनी है जो वो कर चुके होते हैं। अगर आपके लाइफ में आपके पार्टनर जो है जैसे कि मैरिड हो चुके हैं, या फिर आपके साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक है पर कहीं ना कहीं थोड़े टाइम तक आपके लिए ब्लॉक करते, तो उनके लिए आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। मैं रिचुअल बताऊंगी, सडनली कनेक्ट रिच बिटवीन सम हाउ, तो ये वर्ड्स 3 बार बोलना है। मैं फिर से बता देती हूँ, सडनली कनेक्ट रिच बिटवीन सम हाउ, ये जो रिचुअल जो है आपने 3 बार बोलना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, तो आपका पार्टनर आपका ब्लॉक खोल देगा और आपसे बात भी करने लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके ब्लॉक खुल जाए और आपसे पार्टनर जो है आपसे बात करने लग जाए, पर ये चीज़ मैं आपको ज़रूर एडवाइस दूंगी कि आपने उनके लिए अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ नहीं बितानी। हाँ ठीक है, ज़्यादा रिलेशनशिप बन चुका है, 1 महीने तक का इंतज़ार करना है, ब्लॉक खोल दिया तो ठीक है, अदरवाइज आपने भी उनको अपने दिल से निकाल के अपने अपनी लाइफ को वहाँ पे भी स्टॉप करके अपनी लाइफ को आगे मूवमेंट की तरफ जीना है, अच्छे से खाना पीना है, अच्छे से इंजॉय करना है, अच्छे से शॉपिंग करनी है, और अच्छे से हैप्पी की तरह रहना है। मैं ऐसे ही आपके साथ न्यू न्यू टिप्स के साथ मिलती रहूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।